हे गाइस वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में कि इसका प्लेसमेंट क्या है इसका कट ऑफ क्या है फीस क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेकिन सबसे पहले आप जाकर ये वाला वीडियो देख लो क्योंकि मैंने इसमें एक वीडियो बनाया है एक मतलब बताया है कि कौन सी ऐसी मेन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक फार्मेसी कॉलेज में बी फार्मेसी अगर आप सेलेक्ट करने वाले हो एक करियर के तौर पर तो कॉलेज में एडमिशन लेते समय कौन सी बातों को ध्यान रखना है आगे चलते हैं तो कॉलेज का नाम है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऑटोनमस कॉलेज है ऑटोनोमस कॉलेज यानी कि वो किसी एक कि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तो होता है लेकिन उसके जो डिसीजन होते हैं जैसे कि एग्ज़ाम कब लेना है और उसका सिलेबस उसका सिलेबस नहीं उसका पैटर्न कैसे रहेगा ये सब वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है उसके बाद इसका जो स्थापना है वो नाइनटीन से हुआ था तो समझ सकते हो कि कितना पुराना कितना मतलब एक प्रस्टिजियस कॉलेज है मुंबई रीजन में और इसका एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से नैक ग्रेड इसके बारे में कॉलेज ने कुछ बताया नहीं है वेबसाइट पर उसके बाद इसका एन रैंकिंग दे सकते हो तो पूरे देश में फार्मेसी के जितने भी कॉलेज हैं इंस्टीट्यूट है उसमें थर्टी टू रैंक है इसका और महाराष्ट्र में टॉप टेन में आता है तो समझ सकते हो कि कितना पॉपुलर कितना प्रस्टिजियस कॉलेज ऑफ फार्मेसी के पढ़ाई के लिए और इसका इनटेक कैपेसिटी है एडेड और अनएडेड मिला के सौ स्टूडेंट का कोर्सेज हैं बी फार्मेसी एम फार्मेसी और पीएचडी उसके बाद कॉलेज का आप देख सकते हो कि हॉटोरिज कॉलेज एड्रेस देख सकते हो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी कलीना सांता क्रूज ईस्ट मुंबई फोर डबल जीरो जीरो नाइन एट इंडिया फ़ोन नंबर फैक्स नंबर ईमेल एंड वेबसाइट उसके बाद सबसे मेन आता है यहाँ पर आपका कट ऑफ तो सबसे पहले एडिड कैटेगरी के, के लिए देखो एडिड और अनएडिड दोनों में मेन फ़र्क यही है कि एडिड में आपको ना मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा परसेंटाइल बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा क्योंकि एडिड में फीस कम होता है तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो एडिड में जनरल कैटेगरी के, के लिए जो रैंकिंग है वो वन ट्वेंटी सेवन एक रैंक आना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में सी में उसके ऊपर आना चाहिए उसके बाद एस के लिए देख सकते हो 1508 उसके बाद एस के लिए देख सकते हो और वीजेएनटी एन टी के लिए तो ये हो गया एडिट का उसके बाद अनएडिट का देख सकते हो 99.13 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए एस के लिए 95 फाइव परसेंटाइल के ऊपर उसके बाद एस के लिए एट्टी परसेंटाइल के ऊपर तो ये हो गया कैप वन का आप देख सकते हो कैप टू का भी देखते हैं तो यहाँ पर देखो कैप टू का है तो कैप टू का एडिड गवर्नमेंट एडिड ऑटोनोमस के लिए आपको अगर ओपन कैटेगरी से हो तो नाइन्टी नाइन पॉइंट थ्री सेवन परसेंटाइल के ऊपर चाहिए रहेगा उसके बाद एससी से हो तो नाइन्टी फाइव पॉइंट वन फोर एस से हो तो एट्टी नाइन पॉइंट टू फाइव परसेंटाइल ये हो गया कैप टू का एडिट का और अब अनएडिट देखते हैं कैप टू में तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हो जनरल ओपन कैटेगरी तो आपका 98.63 परसेंटाइल के ऊपर चाहिए रहेगा और एस के लिए 94.66 परसेंटाइल तो ये हो गया इसका यहाँ पर आप जैसे होते हो कट ऑफ कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि टॉप से टॉप कॉलेज में और इसको सेकंड कॉलेज भी बोलते हैं महाराष्ट्र में टॉप सेकंड पहले पे आईसीटी और सेकंड पे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी को ही गिना जाता है तो इसलिए इसका जो परसेंटाइल है ऑफ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगा और हर साल ये समझ लो कि ज़्यादा ही होता है कम तो होगा ही नहीं तो जो यहाँ पर दिखाया मैंने अभी जो बताया रैंक जो परसेंटाइल बताया उसके हिसाब से अब इस ज़्यादा ही समझो कि इस बार मेरे को ज़्यादा ही लेना पड़ेगा अगर उस में जाना है तो इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर फीस देख लेते हैं सबसे पहले एडेड कैटेगरी के लिए तो इसमें ना फीस कम रहेगा क्योंकि आपका जो फीस होता है अधिकतर फीस और गवर्नमेंट पे करता है इसलिए तो इसमें ज़्यादा मार्क्स लाना होता है तो सबसे पहले ओपनिंग कैटेगरी के लिए फ़ीस है थर्टी फोर थाउजेंड टू फोर्टी रुपीस उसके बाद एस के लिए अठारह हज़ार सात सौ चालीस एस के लिए अठारह हज़ार सात सौ चालीस VJT, जे एन टी एस बी सी के लिए चौबीस हज़ार है उसके बाद OBC के लिए चौबीस हज़ार सात सौ चालीस ई डब्ल्यू एस के लिए तीस हज़ार दो सौ चालीस और टी एफ डब्ल्यू एस के लिए छब्बीस हज़ार दो सौ चालीस तो ये हो गया एडेड कैटेगरी का फीस उसके बाद आता है अनएडेड का तो अनएड में फिर थोड़ा फीस ज़्यादा लगता है यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए एक लाख ,00 के ऊपर है उसके बाद एस के लिए उन्नीस हज़ार एस टी के लिए उन्नीस हज़ार के आसपास है उसके बाद वी के लिए तीस हज़ार है ओ के लिए ओपन का हाफ है तो सिक्सटी सिक्स थाउजेंड है उसके बाद ई बी एस के लिए भी हाफ है ओपन का सिक्सटी सिक्स थ्री नाइन सिक्स उसके बाद टी एफ डब्ल्यू एस के लिए थर्टी थाउजेंड के आसपास है तो ये हो गया फीस एडेड में कम रहेगा और अनएडेड में ज़्यादा रहेगा उसके बाद अगर हॉस्टल की बात की जाए तो एक कॉलेज ना मुंबई रीजन में है डेवलप रीजन है एक सिटी एरिया है तो इसलिए यहाँ पर हॉस्टल नहीं है तो अगर आप कहीं दूर से आते हो पढ़ने यहाँ पर किसी दूर गांव के इलाके से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हो महाराष्ट्र के तो आपको हॉस्टल का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और आसपास जो भी पीजी है वहाँ पर भी थोड़ा आपको पता करना पड़ेगा ठीक है अच्छे से तभी आपको एक अच्छा हॉस्टल मिलेगा इस कॉलेज के लिए अगर बात की जाए प्लेसमेंट की तो ये टॉप का कॉलेज है तो इसलिए यहाँ पर ना प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है कुछ अच्छी जो कंपनियाँ हैं फार्मा सेक्टर की वो यहाँ पर आती है स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए और अगर बात की जाए डेटा की तो यहाँ पर देखो एक डेटा दिया है ग्राफ दिया है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी कोर्स वाइज मीडियन सैलरी ट्रेंड्स तो बी फार्मा और एम फार्मा का दिया है कि एवरेज पैकेज कितना मिलता है कितने का एवरेज पैकेज मिलता है तो देखो यहाँ पर तीन साल का डेटा दिया है 2020, 21 और 22 का डेटा दिया है यहाँ पर देख सकते हो तो जैसे जैसे आप ईयर बढ़ते जा रहा है यहाँ पर देखो जो एवरेज पैकेज है वो भी बढ़ते जा रहा है 2020 में तीन लाख दस हज़ार उसके बाद तीन लाख बीस हज़ार दो हज़ार इक्कीस में और 22 में सीधा बढ़ गया चार लाख पच्चीस हज़ार तो 2021 और 20 के गैप के गैप में बहुत बढ़ा है क्योंकि इसी बीच कोरोना आया था और कोरोना के टाइम सिर्फ फार्मा सेक्टर ही ऐसा था, था जो एक रेगुलरली कॉन्स्टेंटली चालू था और इसी बीच जितने भी फार्मा ग्रेजुएट हुए उनकी डिमांड भी बढ़ गई तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो कि इस बीच में गैप बढ़ते गया और वो अभी भी बढ़ रहा है ठीक है फार्मा जो ग्रेजुएट है उनकी डिमांड बढ़ते जा रही है तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो तो मीडियम पैकेज के बाद फार्मा करोगे तो और भी अच्छा रहेगा उसका पैकेज आपको और अच्छा मिलता है तो ये था प्लेसमेंट प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेज अच्छा है तो यही था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कमेंट करके बताइए कि आगे कौन सा कॉलेज आपको देखना है मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद